सो ही गाइज, दिस इज़ रवीता एंड आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको फेदर दिख रहे हैं या आपको पर्टिकुलर कोई कलर का फेदर दिख रहा है, जैसे कि ब्लैक हो या वाइट हो या ग्रे कलर का हो, तो उसका क्या मीनिंग है। बिकॉज़ फेदर को देखना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन माना जाता है, आपका यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है, आपके एंजल्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो फेदर को देखना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है एंड यू मस्ट नो कि अगर आप फेदर को देख रहे हो, अगर आप इस वक्त किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या आपकी लाइफ में अगर इस वक्त आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या चैलेंजिंग टाइम है इस वक्त आपका, आपको बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं मैनिफेस्टेशन करने में, तो अगर इन दौरान इस टाइम पीरियड में अगर आपको फेदर दिख रहा है तो इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैसेज है जो जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एंड अगर मैं कहूँगी तो ये वैसे बहुत अच्छा भी साइन है, इसमें आपको कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको फेदर दिख रहे हैं तो। सो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फेदर को देखना क्या मीनिंग होता है उसका एंड जो भी कलर है स्पेसिफिक, उन कलर के फेदर्स को देखकर आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे वाइट फेदर के बारे में। अगर आपको वाइट फेदर दिख रहा है एंड अगर इस वक्त आप किसी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं, तो इसका सिंपल ये मीनिंग है कि ये आपको आपके प्योरेस्ट एंजल्स जो आपके हैं उनके थ्रू ये मैसेज मिल रहा है एंड ये एक इंडिकेशन है पीस का, प्यार का, प्रोटेक्शन का एंड लाइट का, ठीक है। एंड वाइट फेदर को देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइन है, ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है कि जो डिवाइन है, जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में वो सारी जो भी पॉजिटिविटी है या जो ब्लेसिंग है जो आप रियल में आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। एंड ये जो वाइट फेदर है वो एक क्लिंजिंग का भी मैसेज देता है, मतलब कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी अनवांटेड थिंग्स हैं या कोई अनवांटेड सिचुएशन है, तो वो बहुत ही जल्दी अच्छी हो जाएगी, मतलब कि वो जो भी नेगेटिविटी वो वैनिश हो जाएगी एंड आपकी जो लाइफ है वो प्यार से और वो लाइट, जो डिवाइन लाइट है, उससे वो भर जाएगी, ठीक है। एंड गाइज, अगर आप इस वक्त किसी भी टाइप के टफ पीरियड से गुजर रहे हो, अगर आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग पीरियड में हो, आपकी लाइफ में कोई मुश्किलें आ रही हैं इस वक्त, आप अभी एकदम स्टेबल नहीं है, तो उस दौरान अगर आपको वाइट फेदर दिख रहा है देन इसका यही मतलब है कि आपके एंजल्स आपको देख रहे हैं एंड वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको आपकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में, है ना, वो आपको हरदम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गाइड कर रहे हैं एंड वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी से और कोई भी ऐसी जो अनवांटेड एनर्जी है उससे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वाइट फेदर देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप वाइट फेदर दिखे आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके एंजल्स आपके साथ हैं और आपका जो भी इस वक्त ऐसा टाइम चल रहा है जो कि अच्छा नहीं है, तो वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा और आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएगी, ठीक है। सो गाइज, अब बात करते हैं ब्लैक फेदर के बारे में। जो ब्लैक फेदर होता है ना, वो भी उसका भी जो मैसेज है, जो मीनिंग है, वो वाइट फेदर से सिमिलर है। सो अगर आपको ब्लैक फेदर दिखता है, सो इट डजंट मीन कि आपको चिंता होगी या इसका कोई नेगेटिव मीनिंग है, सो डोंट वरी। अगर आपको ब्लैक फेदर दिखता है तो वो भी अच्छी बात है। एंड गाइस, जब भी आपको अकेलापन लगे, मतलब आप अलोन फील करें या आप होपलेस कंडीशन में है इस वक्त, आपको होप नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा अगर आप इस वक्त अपसेट हैं या आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ब्लैक फेदर अगर आपको आपके घर में कहीं भी दिखे या आप कहीं भी गार्डन में हो, कहीं भी हो, आपको ज़मीन पे अगर ब्लैक फेदर दिखे, गाइस बिल्कुल भी चिंता मत करना, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपके साथ है। जो भी आपके लाइफ में इस वक्त अनवांटेड चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने के लिए आपके जो एंजल्स है वो आपको बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो,
आपके एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। एंड अगर पर्सनली बोलूँ तो ब्लैक फेदर मैंने देखा है, जब मैं एक बार चैलेंजिंग सिचुएशन में थी एंड आई जस्ट सो द ब्लैक फेदर एंड आई कांट एक्सप्लेन मुझे कितना अच्छा फील हुआ था जब मैंने ये फील किया कि यूनिवर्स ने मुझे मैसेज दिया। एंड लिटरली मेरी सिचुएशन भी चेंज हो गई थी एक दो दिन में ही, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रूफ कि येस, एंजल्स हमको गाइड करते हैं, ठीक है। सो ब्लैक फेदर अगर देखें तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। सो गाइस, अब बात करते हैं ग्रे फेदर को देखना, मतलब उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। ग्रे कलर है वो वाइट एंड ब्लैक कलर के बीच का कलर है, राइट। एंड ये सिंपली बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब भी आप ग्रे कलर के फेदर को देखें तो आप इतना समझ लीजिए कि जो आपके एंजल्स हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में बैलेंस करना है, ठीक है। एंड आप किसी भी प्रॉब्लम में इस वक्त सफ़र कर रहे हो या आपको आंसर्स चाहिए, आपके दिल में कोई क्वेश्चंस हैं, आप यूनिवर्स से कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। तो कभी कभी इन किसी भी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ येस और नो में नहीं होता, उसके बीच में होता है, उसके अंदर होता है। अगर आप डीप ऑब्जर्व करेंगे अपनी लाइफ को एंड अगर आप अपनी प्रॉब्लम को भी समझेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन आपके अंदर ही है, ठीक है। सोल्यूशन इज़ देयर विद इन यू, तो वो आपको रिकग्नाइज करना है। सो गाइस, ये थे कुछ इंटरप्रिटेशन फेदर्स को देखने के। एंड अगर आपको अब फ्यूचर में कभी भी फेदर दिखे या इस वक्त आपको अगर फेदर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन इंटरप्रिटेशंस को समझ सकते हो और आप इससे रिलेट कर सकते हो। सो फिलहाल यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।